सॉरी अगर मेरी आवाज आपको रोबोटिक लगती होगी, क्योंकि मेरा म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड। डू नॉट फुल्ली एक्सटेंड द लेग्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिटर्न आ गया हूँ, एक दिन का गैप छोड़ के मैं आ गया हूँ जिम में। और आज है मेरा लेग डे, बट यस्टरडे मेरा एक छुट्टी हो गया, तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ कल का एक्सरसाइज ऑल्सो, विच वॉज बाइसेप एक्सरसाइजेस। सो आज मैं लेग्स एंड बाइसेप ट्रेन करूँगा। और आज है क्वाड फोकस्ड लेग डे, सो आई एम गोना फोकस ऑन माय क्वाड मसल्स रादर देन माय हैमस्ट्रिंग्स। एंड आज मैं जिम में आने के बाद मैं जिम में ये कुछ देखता हूँ, जिम के पास, जिम के बाहर ऑल द ट्रीज आर बीइंग वैनिश्ड। सी सारे जिम के बाहर के जो भी ट्रीज थे वो सारे कट कर दिए, आई डोंट नो व्हाई, बट दे हैव जस्ट वैनिश्ड द ट्रीज। अभी यहाँ पे कोई छाव नहीं होगा, मेरी बाइक अभी धूप में खड़ी रहेगी, दैट इज़ माय बाइक। आई डोंट नो व्हाई दिस पीपल डू लाइक दिस। ये भी बचा, ये भी तोड़ देने का था, ये क्यों रखा, आई थिंक वो भी तोड़ देंगे, बट इट्स अ सैड डे। So now let's focus on the workout. हाँ, साइलेंस सुनने का मन कर रहा। अनिकेत भाव कधी आलास? वेलकम वेलकम। नाही ना यार, मी इथं गेलो होतो, कर्नाटकला गेलो होतो। काल एक दिवस सुट्टी झाली। ओके, सो फर्स्ट सेट विथ लाईट वेट। वॉकिंग सेट नाउ, वेरिंग नी पैड्स, नी सपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर लिफ्टिंग वेरी हैवी, सो योर नीज स्टेज इन प्लेस। ओके सो मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारा काफ रेजेस होने वाला है। थ्री वेरिएशन करूँगा, थ्री सेट फॉर लाइक 15 to 20 रेपिटेशंस। लाइक 15 के बाद मैं पार्शियल रेपिटेशन करता हूँ।
जो आपको दिखेगा मैं कैसे करता। फर्स्ट जो है नॉर्मल स्ट्रेट फुट काफ रेजेस, आज मैं थोड़ा हेवी ले रहा हूं। वन टू थ्री फोर नाइन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी। यस, ये होता है पार्शियल रेपिटेशन। आपको ये रेपिटेशन करना है टू ग्रो योर क्राफ्ट। फर्स्ट वेरिएशन फॉर दिस काफ रेज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री। Okay, so let's do the next exercise, which is leg press, obviously. And now I'm taking 55 kg each side, so it's 110 kg. One. Two, three, four, five, six. Seven. It's very heavy. That's why I'm doing it very slow. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Now I'm taking support. 13, 14, 15, 1. Do not fully extend the legs while you're lifting heavy. इतना करना है बस, इससे ज्यादा करोगे पैर वैर तोड़ जाएगा। 2 3 4 अभी 300 पड़े आ 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
This week I'm keeping laying hamstring curls on the last exercise. I don't know, I just feel like I do it on the at last. So it's my second last exercise, which is leg curls. Definitely I'm taking it with 45 kgs. Again we'll go to the failure. Let me just adjust this. सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको रोबोटिक लगती होगी, क्योंकि मेरा म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड है, तो मैं शायद आइसोलेशन यूज़ करूँगा, वॉइस आइसोलेटर और समथिंग, स्कैप कट पीसी में जो है वॉइस ऑटर वो करूँगा। मारू का Okay, so let's move on to the next exercise, which is going to be our laying hamstring curls. Again, taking 30 kgs like the last week. One, two, three. Oh my God, khatarnak. Okay, so workout तो हो गया। आज प्लान किया था दो वर्कआउट करने का, दो एक्सरसाइज, लेग्स एंड बाइसेप्स, बट लेग्स में इतनी फट गई है मेरी, सो मुझे नहीं लगता कि मैं बाइसेप्स कर पाऊँगा। कर भी लूँगा तो भी इतना इंटेंसिटी के साथ नहीं कर पाऊँगा, सो इसीलिए मैं आज नहीं कल ट्रेन करूँगा शोल्डर के साथ। ओके, सो आज का ये रहा रिजल्ट। माई लेग्स आर कम्प्लीटली फटीक, इवन माई हैमस्ट्रिंग ऑल्सो, लास्ट में देखा आपने हाउ माई हैमस्ट्रिंग got pumped up. Even my calves are pretty much pumped up. मेरा ओवरऑल वर्कआउट अच्छा रहा लेग्स का।
ओके लेट्स गो होम, आई एम वेरी हंग्री।